कृपया ध्यान रखें कि चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस YouTube चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IDO के बारे में। मतलब कि मैं आपको देसी लैंग्वेज के अंदर बात करूँगा कि मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी नए नए आते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी अगर एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होने से पहले हमें मिल जाए तो हमें इसका अगर ICO आता है या तो IDO आता है उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करके टोकन लिस्ट होने से पहले ले सकते हैं। बट इसके अंदर भी ध्यान रखना होता है, काफ़ी सारे ऐसे IDO आते हैं कि टोकन जो हमने लिया लिस्ट होने से पहले, और जब लिस्ट हुआ तो जो हमने लिया था वो भी प्राइज़ ना मिले तो हमारे साथ नुकसान हो सकता है। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है अभी हाल कि वहाँ पर IDO आते रहते हैं और IDO के अंदर हम आसानी से पार्टिसिपेट करके, जैसे 2021 के अंदर काफ़ी सारे ICO एंड IDO आए थे, लोगों ने 5x 10x उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट किया होगा और कुछ लोगों ने नुकसान भी किया होगा। कोई फेक को इनके अंदर जुड़ गए या तो कोई फेक IDO के अंदर जुड़ गए, उसके साथ स्कैम हो गया होगा। तो आप लोगों को कुछ वेरीफाइड डेक्स के ऊपर ही पार्टिसिपेट करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कम्प्लीटली करने वाले हैं। पहले बता देता हूँ, ICO का मतलब होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग और IDO का मतलब होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा एक डेक्स दिखाने वाला हूँ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, कि जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके टोकन उठा सकते हैं। नए नए प्रोजेक्ट आएंगे उसके IDO के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी मैं लिस्ट शेयर करता हूँ जो कि लॉन्च पेड एंड IDO के प्लेटफॉर्म है, रैंक बाय करंट एंड HHROI। ROI के हिसाब से यहाँ पर मतलब कि कितना कितना रिटर्न दिया है कौन कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर सभी के सभी डेक्स है ये IDO प्रोवाइड करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए नए IDO आते हैं, उसके अंदर मैं एक नेम आपको दिखाऊंगा जो कि आज के दिन हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, Finceptor। 39 वा उसका रैंक है और यहाँ पर काफ़ी सारी जो ब्लॉकचेन है सपोर्ट होती है, सोलाना, BNB, इथेरियम, ये सभी चेन सपोर्ट होती है। करंट इसका ROI है, मतलब जितने भी Finceptor के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए मिला जुला के एवरेज जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं 3x रिटर्न दिया है। ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो एक कोइन ऐसा भी था जिसने 10x का रिटर्न दिया था, मतलब कि इसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया, हमने टोकन मिला, हमें कुछ एलोकेशन मिला और फिर जब वो लिस्ट हुआ तो हमें डायरेक्टली 10x का प्राइस मिला। मतलब कि कोई टोकन हमने IDO के मदद से लिया, कहीं पहले लिस्ट नहीं है, Finceptor के अंदर हमने लिया, उसका प्राइस 1 रुपये है, बट लिस्ट 10 रुपये के ऊपर होता है तो आपने जो 1 रुपये के अंदर यहाँ पर IDO की मदद से लिया है उसे 10 रुपये में बेचेंगे, मतलब 10 गुना प्रॉफिट होगा। ये अभी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट अच्छा रहता है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते रहते हैं और हमें महीने में 5, 6 या तो 7 जितने प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एवरेज हम अपना कैपिटल को गेंस कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या है, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे IDO ICO ढूंढते हैं, उसके अंदर लॉन्च पेड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। अभी तक हम बात करेंगे Finceptor के अंदर 6 जितने IDO आए, एवरेज 3x का रिटर्न है, मतलब अच्छा खासा है। अभी तक इसने जो फंडिंग रेज किया है 6 प्रोजेक्ट मिला के $9,65,000 का फंडिंग रेज किया है और इसके अंदर लोग मिनिमम $1.32 से एंटर हो सकते हैं। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 24 घंटों के अंदर $5 मिलियन का इसके अंदर वॉल्यूम है। सम यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो $12 मिलियन का मार्केट कैप है। अब यहाँ पर इसका डायरेक्टली प्लेटफॉर्म देखते हैं, प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो Finceptor इस तरीके का प्लेटफॉर्म आता है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करा लेना है, जो कि मैंने वॉलेट को कनेक्ट करा लिया। अभी जो इसके अंदर वॉलेट कनेक्ट कराने के बाद आपको क्या करना होगा इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि यहाँ पर लाइव एंड अपकमिंग डील्स है यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी IDOs है। अगर इसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना है तो Finceptor का नेटिव जो टोकन है Fink, उससे पहले हमें बाइंग करना होगा और इसमें स्टेक करना होगा, जो कि मैंने $100 का पैनकेक स्वैप की मदद से खरीदा है और डायरेक्टली स्टेकिंग के ऊपर मैंने लॉक स्टेकिंग में लगाया है 720 डेज के लिए, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है, $100 से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि मुझे हर एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे टोकन का एलोकेशन मिलना चाहिए। मैंने $100 डाला है तो भी मुझे $20 वर्थ के टोकन मिल जाते हैं, $25 वर्थ के टोकन मिल जाते हैं, $30 वर्थ के टोकन मिल जाते हैं। तो Fink को बाई कर लेना है, कुकोन या तो MEXC से मिल जाएगा, बैंक एक्सेप से $100 का लेके यहाँ पे स्टेकिंग पे लगा देना है। स्टेकिंग पे लगाने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे KYC करने को कहेगा, जो कि मेरा यहाँ पे वेरीफाइड है। पोर्टफोलियो के अंदर क्लिक करना है, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, KYC कर लेना है। जब आप KYC करने जाए तब यहाँ पे आपको एक स्क्रीन के ऊपर कोड मिल रहा होगा, वो कोड का भी यूज़ कर लेना है, क्योंकि कोड का अगर आप यूज़ करेंगे तो मैं लास्ट में बताऊँगा आपको क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल कोड का यूज़ करना, आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा कोड दिख रहा होगा, यूज़ करना, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं अभी तक कितने प्लेटफॉर्म के अंदर जुड़ चुका हूँ,
वेब थ्री वॉर, जो कि मैंने पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। वेब थ्री वॉर के अंदर $67 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, उससे पहले स्क्रिप्ट नेटवर्क के अंदर $37 का इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी लिस्ट हो गया कुको एनएमी एक्स बिटगेट के अंदर 5x का रिटर्न मैंने कमाया, मतलब $37 यहाँ पे डाला उससे 5x का लेना। उससे पहले पार्टेक्स के अंदर मुझे $20 का एलोकेशन मिला था और डीचेट के अंदर मुझे $27 का एलोकेशन मिला है ऑलरेडी, बट इसका टोकन अभी लिस्ट नहीं हुआ है, अपकमिंग है, आने वाले टाइम के अंदर लिस्ट हो जाएंगे। जैसे आप अपने आईडी को यहाँ पे वेरीफाइड कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, डायरेक्टली डील के ऊपर क्लिक करना है। डील के अंदर एक अच्छा खासा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, मेटाहॉर्स यूनिटी गेमिंग प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे देखिएगा रजिस्ट्रेशन पीरियड, स्टेकिंग करने के बाद ही आप रजिस्टर कर पाओगे, तो स्टेकिंग करना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। रजिस्ट्रेशन जो पीरियड है 3 फरवरी से लेकर 14 फरवरी, मतलब कि काफ़ी कम हमारे पास टाइमिंग है। डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें आने वाले टाइम के अंदर, यहाँ पे मैं डायरेक्टली टेलीग्राम के अंदर बताऊंगा, यहाँ पे आपको नज़र रखना है, इसके ट्विटर को आपको ज्वाइन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका आपको जो एलोकेशन मिलेगा, जो कि यहाँ पर फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा 16 फरवरी 10 UTC के टाइम पे, 17 फरवरी 10 UTC के टाइम के हिसाब से एक गारंटेड एलोकेशन यहाँ पे मिलेगा जिसने स्टेकिंग किया है। और उसके बाद एक और राउंड आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे वाला, वहाँ पर भी स्टेकर को ही मिलता है, बट वहाँ पे आप अनलिमिटेड एलोकेशन यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब कि अच्छा खासा बैलेंस यहाँ पे आप उठा सकते हैं मेटाहॉर्स का। तो इतना यहाँ पे समझ में आ गया। वेस्टिंग का टाइम यहाँ पर अभी नहीं दिया गया, वेस्टिंग का टाइम मतलब कि टोकन क्लेम का टाइम, टोकन क्लेम करने के बाद डायरेक्टली वो टोकन कहीं एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाता है और अच्छा खासा हम प्रॉफिट बना सकते हैं। मेटाहॉर्स के बारे में बात करेंगे तो एक गेमिंग, अच्छा खासा गेमिंग प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए गेमिंग प्रोजेक्ट है, खतरनाक प्रोजेक्ट है। और इसके ट्विटर के बारे में बात करेंगे तो 41,000 फॉलोवर्स है। इसके बारे में आप और जांच कर सकते हैं मेटाहॉर्स के बारे में, क्योंकि अभी ये ऑनगोइंग के अंदर है, ये प्रोजेक्ट है, डायरेक्टली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री के अंदर है, रजिस्टर करना ज़रूरी है। रजिस्टर के बाद जब ये टाइमिंग आता है तब आपको यहाँ पर फंड्स भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये टाइमिंग 16 फरवरी आएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको कितना एलोकेशन मिल रहा है, उतना फंड ही डिपॉजिट कर पाओ। अगर आपने $100 का फंड्स यहाँ पे डाला है, फंड्स मतलब फिंक यहाँ पे आपने स्टेक किया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको $20 वर्थ के ही टोकन मिले, उससे ज़्यादा ना मिले। जैसे हम बाइनेंस के अंदर लॉन्च पेड के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कि BNB वहाँ पे हमें स्टेक करना होता है और सामने हमें टोकन मिलते हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरीके का होता है, यहाँ पर अनलिमिटेड टोकन नहीं मिलते हैं, जितना ज़्यादा स्टेकिंग उतना ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पे मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा समझदार लोग समझ रहे होंगे, या तो नहीं समझ रहे तो आप यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कोड का बिल्कुल यूज़ कीजिएगा KYC करने के टाइम पे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ज़्यादा अपडेट के लिए इसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिएगा Finceptor। और यहाँ पर मैं लास्ट में बताऊँगा कोड का क्या मसला था, मैं कोड के बारे में क्यों बता रहा था, अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोड यहाँ पर इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि यहाँ पर मैंने रखवाया है $300 का एलोकेशन मेटाहॉर्स के लिए, स्पेशली यहाँ पर 6 लक्की विनर को यहाँ पर $50 का एलोकेशन मिलेगा। एलोकेशन मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, ये टोकन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, जो बड़े बड़े स्टेकर होते हैं उससे ही बड़ा एलोकेशन मिलता है, आप समझदार है, क्योंकि यहाँ पर यही होता है $50 का अगर एलोकेशन मिल गया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो डायरेक्टली ये मान के चलिएगा कि आपका प्रॉफिट 2x 3x आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये सभी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे बाइनेंस के अंदर लॉन्च पेड आता है और अच्छा प्रॉफिट लोगों को होता है, उसी तरीके से इसके अंदर चल रहा है। अभी Finceptor के मैं सभी प्रोजेक्ट देख रहा हूँ इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, मैंने काफ़ी कोशिश की और 300 USDT का एलोकेशन भी रखवाया है कि आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो एलोकेशन मिलेगा 6 लक्की विनर्स को जो नए यूज़र है, इसमें पहले से उसको नहीं मिलेगा। नए यूज़र मतलब कि नया अकाउंट बनाते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। रेफर कोड के अंदर Hindicryptoschool आपको यूज़ करना है, ध्यान रखना Hindicryptoschool का यूज़ बिल्कुल करना है और आपको कंप्लीट KYC कर लेना है, आसान है यहाँ पर KYC करना। उसके बाद आपको अपना टेलीग्राम यूज़र नेम भी देना है KYC करने के टाइम पर, वहाँ पर मांगेगा तो डाल देना है। और यहाँ पे ये मान के चलिए Finceptor का टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है ताकि कुछ अपडेट आए वहाँ पे पता चले, क्योंकि सभी जगह पे मेरा नज़र नहीं रहता है। हमारा टेलीग्राम मेक श्योर ज्वाइन करें, बट इसको भी ज्वाइन करें अपडेट के लिए। और लास्ट में इतना बताना चाहूँगा कि आप धोखेबाजों से बच के रहिएगा, पैसा किसी को सामने से ना दीजिएगा। बट हाँ, Finceptor प्लेटफॉर्म अच्छा है, कुकोइन तक लिस्ट हो गया है और उसके अंदर ICO अच्छे खासे आ रहे हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, तो मेरे को लगा कि आपको दिखाऊं ताकि अगली जो 2024 और 2025 के अंदर काफ़ी अच्छे खासे ICO आएंगे। मुझे लगता है कि इस Finceptor के अंदर IDO ये सब भी आएंगे और आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे और प्रॉफिट को इन्जॉय भी कर पाएंगे।